और यूपी विधानसभा चुनाव में दलित ब्राह्मण और मुस्लिम वाले सोशल इंजीनियरिंग पार्ट टू की रणनीति के तहत बीएसपी के स्टार प्रचारक और पार्टी के तेज तर्रार नेता अफजल सिद्दीकी ने रविवार को संभल में एक भाईचारा सम्मेलन किया। मंच से अफजल ने बीएसपी प्रत्याशी बिरमावती के लिए वोट की अपील की। मुस्लिम समाज का भविष्य सिर्फ बीएसपी के साथ है, ऐसी बातें करते हुए अफजल सिद्दीकी ने लोगों से बीएसपी के साथ जुड़ने की अपील की। बीएसपी सर्व समाज की बात करती है, सांप्रदायिकों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है बीएसपी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अफजल सिद्दीकी ने बीएसपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। अफजल सिद्दीकी ने नोटबंदी और देशवासियों के साथ दगा करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार, कालेधन और रोजगार के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि जो अपने परिवार अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। क्या जरूरत थी आपको घर बसाने की, क्या जरूरत थी, बल्कि आपको तो प्रेरणा लेनी चाहिए थी बहन कुमारी मायावती जी से, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया, अपना परिवार नहीं बसाया। और ये कह दिया कि जो सर्व समाज के गरीब लोग, जो सर्व समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार, यही मेरे रिश्तेदार, यही मेरे नातेदार, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बखूब जानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उनको कुछ बहुत ज्यादा इस 2017 के चुनाव में कुछ बहुत ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है, ये जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया और बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अफजल सिद्दीकी दरअसल पार्टी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे हैं और इस चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को पार्टी के लिए खींचने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल, इस चुनावी रण की और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच जरूरी है।